गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ई लर्निंग क्लास. स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर विल बी अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू पार्ट्स को पॉइंट आउट कराऊंगी, देन आपको फ्लावर के थ्रू पार्ट्स को बताया जाएगा. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रो सीओ और स्टेम्स. गॉट इट? बेटा, जो आपका एंड्रोशियम है ये आपका थर्ड वॉल होता है. आपको वॉल बताए थे, एक कंप्लीट फ्लावर में आपके फोर वॉल होते हैं, तो आपका जो एंड्रोशियम है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये आपका थर्ड वॉल होता है. एंड नाउ बेटा, फिर जो आपका एंड्रोशियम होता है ये इस तरीके से इससे एक स्टॉक निकला रहता है पहले, और अपर साइड में ये स्टॉक जो होता है इससे आपका टू लोब एंथर यहाँ पे होता है. गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. गॉट इट? देन आपका यहाँ पे टू लोब एंथर होता है. गॉट इट? बेटा, ये टू लोब्ड एंथर जो होता है ये कंसिस्ट करता है टू पोलन से, मतलब टू पेयर में टू आपके होते हैं पोलन एंथर, और इनके अंदर होते हैं बेटा टू पोलन सैक. मीन्स ये जो पोलन सैक होते हैं, आप कह सकते हो पाउचेस होते हैं, ये कंटेन करते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स को. इनके अंदर छोटे छोटे से माइन्यूट से पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि आपका दे विल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. वो आपको रिप्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा. अभी हम ओनली पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो आपका सबसे पहले क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका एक यहाँ पे स्टॉक था जिसे हम फिलामेंट कह रहे थे. गॉट इट? आपका टू लोब्ड एंथर यहाँ पे है. टू लोब्ड एंथर में आपके टू पोलन सैक है जो कि कंटेन कर रहे हैं आपके पोलन ग्रेन्स को. गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं बेटा गायनोसियम और पिस्टल. गॉट इट? आपका जो पिस्टल है या गायनोसियम है बेटा, इसमें क्या होता है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपका जो स्ट्रोक होता है ये है. स्ट्रोक के बाद आपका क्या निकला रहता है, हमें यहाँ से ऊपर का पढ़ना है, तो ये आपका थैलमस थोड़ा सा फूल जाता है, ये मैंने आपको बताया था. इसके बाद आपका स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो हियर हेयर इट इज. आपका ये तो आपका था जो स्टॉक था आपका, उसे हम पेडिसल कह रहे थे. उसके बाद आपका थैलेमस था. इस थैलेमस के ऊपर बेटा क्या होता है आपका, ओवरी. दिस इज कॉल्ड ओवरी. थोड़ा सा फूला पार्ट है किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर. गॉट इट? इसे कहते हैं ओवरी. इस पार्ट को कहते हैं आपका स्टाइल. ओके? स्टाइल के ऊपर जो सबसे टिप वाला टर्मिनल पार्ट यहाँ पर होता है, इसे कहते हैं बेटा स्टिग्मा. गॉट इट? स्टिग्मा ओवरी हो गया. ओवरी के अंदर बेटा क्या होता है आपका, इस तरीके से क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल्स. ओके? इन्हें कहते हैं आप ओव्यूल्स. गॉट इट? सो यहाँ पे आपका जो ओवरी होता है ये फूला हुआ पार्ट होता है, और इसके अंदर इट बियर्स ओव्यूल्स. गॉट इट? उसके बाद और ओव्यूल में आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल होता है जो, वो कंटेन होता है यहाँ पर. उसके बाद आपके ओवरी को एक
जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, ये कनेक्ट करता है आपके ओवरी को स्टिग्मा से। बेटा जो स्टिग्मा है ये टर्मिनल पार्ट है और ये स्टिकी सा होता है, मीन्स चिपचिपा पार्ट होता है। बेटा ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गायनोसिस अबाउट गायनोसिस, गॉट इट। नाउ बेटा अब हम इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे आपके फ्लावर में। दिस इज फ्लावर, फ्लावर को जब हम खोलेंगे, इन पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अब इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। सो देखिए बेटा, जो आपके बीच का जो दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है और जो साइड के हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, राइट। सो जो आपका एंड्रोशियम होता है बेटा, ये कंसिस्ट करता है वन और मोर स्टैमंस को, गॉट इट, स्टैमंस को। सो ये होते हैं आपके पर्टिकुलर, एक को हम स्टैमन कहते हैं, ओके। सो इस तरीके से ये जो आपको फिलामेंट, ये जो आपको दिख रहा है स्टॉक दिख रहा है, इसे हम क्या कह रहे थे, फिलामेंट, गॉट इट। और ये जो ऊपर के लिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है फिलामेंट के ऊपर, ये आपका टू लोब्ड एंथर, इसका जो हेड है ये आपका टू लोब्ड एंथर है। इस एंथर के अंदर आपके पोलन सैक होते हैं, वो पोलन सैक आपके पोलन ग्रेन्स को कंटेन करते हैं जैसा आपको बताया। बीच में आपको दिखेगा, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि आपको यहाँ से बताया जाएगा इसकी ओवरी से। आप देखेंगे नीचे बेटा, सी एक माइनूट सा छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, और देखेंगे उससे ओनली ये लग रखा है, बीचों बीच में ओनली वन स्टॉक यहाँ पे लगा हुआ है, वन फिलामेंट, ये देखिए सी एक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है नीचे, ये आपका ओवरी है और इस ओवरी से ओनली क्या लगा हुआ है, वन, ये पूरा पोर्शन लगा हुआ है जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नीचे क्या है आपका ओवरी, इस ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स हैं, उसके बाद आपका उसके ऊपर क्या है, स्टाइल है, ये आपका पूरा स्टाइल है। और स्टाइल क्या कर रहा है, जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिकी सा पार्ट ये होता है जैसे कि मुझे लग रहा है ये, ओके। तो इसके अंदर ओव्यूल्स है, ये आपका स्टिग्मा है। सो ये था आपका पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल एंड फीमेल। सो आई होप यू गॉट इट। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बेटा द क्लास वर्क ऑफ दिस वीडियो लेक्चर विल बी सेंड टू यू, ओके, एंड यू विल हैव टू ड्रॉ दिस फिगर अलॉन्ग विद योर क्लास वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।